सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक माइक, और इस माइक को मतलब आप बिल्कुल घर में फ्री में बना सकते हो। और यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, देख सकते हो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो ये माइक की वॉइस क्वालिटी आपको शुरू में ही पता चल गया, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस माइक को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है ये ईयरफोन, देख सकते हो आप कोई सा भी ईयरफोन ले सकते हो। तो मैं यहाँ, मेरे पास ये ख़राब वाला है, तो इसको यहाँ पास से निकाल लेंगे। और यहाँ से गाइस ये सिर्फ माइक हम निकाल लेंगे, तो देख सकते हैं गाइस इस माइक को कट करके निकाल लेंगे। सो गाइस ये देख सकते हो छोटा सा माइक है, और यहाँ से इसका ये वाला जो सामने का जो लीड होता है, देख सकते हो ये जैक, इसको भी ऐसे निकाल लेंगे। ये बाकी इसको फेंक देंगे। अब गाइस ऐसा पेन का जो ऊपर वाला ढक्कन हम लोग ले लेंगे, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। मैं ब्लैक वाला ले रहा हूँ, आपके हिसाब से आप कोई भी कलर का ले सकते हो। टीवी का लीड आता है गाइस, देख सकते हो, जो कि रिसीवर में फंसता है, उसका हम यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो कवर है उसको निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रखा है, देख सकते हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसको लगाने से पहले हम लोग इसको आधा कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, और इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। तो चलिए अब आपको करके दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने इन दोनों को कट कर लिया है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। तो देख सकते हो कितना शानदार यहाँ पर लग रहा है। तो अब यहाँ पर चलिए माइक के लिए होल करते हैं। सो गाइस माइक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने होल्ड कर लिया है, देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे कुछ वायर्स है, देख सकते हो, जो कि मैंने ख़राब चार्जर से निकाला है, और इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया है, देख सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ दूरी में इसको जॉइंट किया है, तो आप अपने मतलब जितना लंबा आप लोग रंगना चाहते हो उतना कर लेना। मैं यहाँ पे जो पहले से जॉइंट करके रखा हूँ, तो यहाँ पे इसका कोई भी एक छोर ले लेंगे और इसमें सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए मैं आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है, और कनेक्शन करने के समय यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना। अगर प्लस माइनस अगर इधर उधर हो गया तो आपका साउंड क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, तो प्लस माइनस का ध्यान जरूर से रखना। तो अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। सो गाइस देख सकते हो मस्त परफेक्ट इसमें यहाँ पे ये माइक अच्छा से फिट आ चुका है। सो इसको यहाँ पे लाएंगे, जो हमने यहाँ पे लीड काट के लगाया था, और उसको यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। तो चलिए आपको चिपका के दिखा देते हैं। सो गाइस यहाँ पर का काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो कितना शानदार लुक है यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर इसका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इधर जो हम लोग जेग लगाते हैं उसका काम को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो गाइस इस प्रकार से जो जेग हमने निकाला था, सो इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, ये जो प्लस है जो कि माइक का है, और यहाँ पे ये जो सेकंड वाला दिख रहा है वो ग्राउंड है। तो इन दोनों में हम लोग कनेक्शन करेंगे, और जो प्लस वाला वायर है जो ये माइक का है इसमें फंसाएंगे, और माइनस वाला जो कि ये ग्राउंड का है इसमें फंसाएंगे, तो इसमें और इसमें। तो चलिए अब हम लोग आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। सो गाइस इसका कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस रखा है। तो चलिए अब इसका कैप वैप लगा के इसको भी पूरा रेडी करते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा माइक बनके तैयार हो चुका है। अरे यार लेकिन माइक कहाँ है, रुको माइक अभी आ जाएगा। सो 1 2 3 सो गाइस ये देखो भाई फाइनली हमारा माइक बनके रेडी हो चुका है, और देख सकते हो गाइस लुक कितना खतरनाक दिख रहा है। तो चलिए अब इसका कुछ लुक देख लीजिए, उसके बाद इसको आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देंगे। सो गाइस देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा माइक यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे कोई भी फेक माइक नहीं है, देख सकते हो हम लोग जो बनाए थे वही माइक है। और यहाँ पे एक बार आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ।
सो गाइस देख सकते हो कितना दूर मैं आ चुका हूँ अपने कैमरे से, और यहाँ पे देख सकते हो कितने तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉलर पे भी लगा के दिखा दिया है, देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे कॉलर पे अच्छे से लग जाता है, बहुत अच्छा माइक है। इसको आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।